आईपीएल सीजन 16 के 25वें मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 14 रन से हरा दिया है। हैदराबाद के उप्पल स्टेडियम में 193 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी सनराइजर्स हैदराबाद ने 19 ओवर और 5 गेंदों पर 178 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। सनराइजर्स का बल्लेबाज विक्रम आज लड़खड़ा गया। आज हैदराबाद के मयंक अग्रवाल ने सर्वाधिक 41 गेंदों पर 48 रन की पारी टीम के लिए खेली। मुंबई इंडियंस के गेंदबाज रिले मेरेडिच की गेंद पर टीम डेविड ने मयंक अग्रवाल की कैच लपक कर उन्हें मैदान से चलता किया। दूसरी ओर हेनरिच क्लासेन ने 225 के स्ट्राइक रेट से 16 गेंदों पर 36 रन की पारी खेली। मुंबई के स्पिनर गेंदबाज पीयूष चावला की गेंद पर टीम डेविड ने हेनरिच क्लासेन का कैच लपका। इन दो खिलाड़ियों के अलावा सनराइजर्स का एक भी बल्लेबाज मैदान पर नहीं टिका। 11 रन के स्कोर पर हैदराबाद का पहला विकेट गिरा। टीम के ओपनर बैट्समैन हैरी ब्रुक 7 गेंदों पर 9 रन बनाकर पवेलियन लौटे। मुंबई इंडियंस के गेंदबाज जेसन बेरेनडॉर्फ की गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने हैरी ब्रुक का कैच लपक कर मैदान से चलता किया। मात्र 25 रन के स्कोर पर हैदराबाद को दूसरा बड़ा झटका लगा। टीम के बल्लेबाज राहुल त्रिपाठी 5 गेंदों पर 7 रन बनाकर आउट हो गए। मुंबई के गेंदबाज जेसन बेरेनडॉर्फ की गेंद पर विकेट कीपर ईशान किशन ने त्रिपाठी का कैच पकड़ा। टीम के कप्तान एडिन मार्करम 17 गेंदों पर 22 रन बनाकर पवेलियन लौटे, तो वहीं अभिषेक शर्मा का बल्ला 1 ही रन पर रुक गया। इनके अलावा सनराइजर्स के बल्लेबाज मार्को यानसेन 6 गेंदों पर 13 रन, वॉशिंगटन सुंदर 6 गेंदों पर 10 रन और अब्दुल समद 11 गेंदों पर 8 रन ही टीम के लिए बटोर पाए। वहीं मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों की बात की जाए तो पीयूष चावला, जेसन बेरेनडॉर्फ और रिले मेरेडिथ ने 2-2 विकेट चटकाए, तो वहीं अर्जुन तेंदुलकर और कैमरून ग्रीन को 1-1 सफलता मिली। इसी के साथ टीम के बल्लेबाज कैमरून ग्रीन की 40 गेंदों पर 64 रन की पारी ने एक बड़ा स्कोर खड़ा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।